हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक और अमेजिंग प्रोग्राम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बिगनिंग के प्रोग्राम्स हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको ध्यान से समझ लेना। तो फर्स्ट प्रोग्राम है कि हमको हेलो वर्ल्ड जो है वो एक प्रिंट करनी है स्ट्रिंग। ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल, हमने लिख लिया प्रिंट स्टेटमेंट और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर दिया हेलो और फिर उसके बाद वर्ल्ड। क्लियर है? तो इसके जरिए, प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दो नंबर्स लेने हैं और ये दो नंबर्स हमने ले लिए। आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे एक्स ले लिया और यहाँ पर इंट इनपुट स्टेटमेंट लगाकर भी हम जो है वो नंबर ले सकते हैं। क्लियर? आपको आई थिंक राइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों? तो इधर भी वाई के लिए क्या लिखा हुआ है? इंट इनपुट लिखा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस बस इतना है कि इंट इनपुट वाला जो है, यहाँ पर प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो यूज़र कोई भी नंबर डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 और 7 रहेगा। और फिर अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट एक्स प्लस वाई, और इधर भी हम क्या कर देंगे, प्रिंट एक्स प्लस वाई। क्लियर है ये प्रोग्राम? अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स कि हमको कोई भी जो नंबर दे रखा है 4, 8, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मतलब वो नंबर फाइंड करने हैं जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर ये दिया गया नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पर यूजर ने एंटर कर दिया 4, है ना? तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 फाइंड करना है। मतलब अब 2 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 आएगा। स्क्वायर रूट आप सभी समझते हैं। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो यूजर ने नंबर दे दिया यहाँ पर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। कैसे निकलेगा ये? तो देखो, प्रिंट, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 25 इंटू इंटू, डबल मल्टीप्लीकेशन के साइन लगाने हैं। अब इससे क्या होगा कि ये डबल मल्टीप्लीकेशन का साइन ये पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमको ये लिखना है 4 की पावर 7 लिखना है, तो कैसे निकालेंगे आंसर? 4 × 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7। क्लियर? तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर दे रखा है उसकी पावर 1/2 ही तो कहलाता है स्क्वायर रूट। तो हमको 25 की पावर 1/2 लिख देना है, इधर आउटपुट जो होगा वो उसमें 5 आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी प्रोग्राम है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्लास 11th, 12th, 9th या 10th, 6th से लेकर 8th तक आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, आपकी फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आप उस प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं विद अनअकैडमी बैचेस। तो अनअकैडमी की तरफ से 6th से लेकर 12th क्लास तक सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में और हिंदी में जो बैचेस हैं फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो स्टार्ट करे गए हैं। आप इंग्लिश में बैचेस अटेंड करना चाहते हैं या फिर हिंदी में बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, उन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप लिंक्स पर क्लिक करके जो है वो एनरोल करिए और अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। बहुत सारे जो हैं वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अनअकैडमी के बैचेस के। पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने जो है वो यहाँ पर ले रखा है। कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, हमको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसकी साइड, जो भी वहाँ पर वेरिएबल्स लगते हैं, जो भी वैल्यूज लगते हैं ना फॉर्मूले में, वो वैल्यूज हमको लेनी है बस, है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या लगेगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, और इधर 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो लगेगा। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी फॉर्मूलेज लिखें तो हर साइन को लगाना है, प्लस का साइन हो या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। अब देखो, मैथ में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू एच और ब्रैकेट ऑफ 1/2, लेकिन इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करना है अगर पाइथन में लिख रहे हैं। तो हमको बस क्या करना है, 3 वेरिएबल्स निकालने हैं। एरिया तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगा, बेस और हाइट को जो है वो हमको यूजर से ले लेना है। ठीक है, तो बेस हमने ले लिया 25 और हाइट हमने ले ली 50। एरिया अपने आप निकल जाएगा बी इंटू एच इंटू 1/2, इट कैलकुलेट हो जाएगा एरिया, और हम इधर क्या कर लेंगे, प्रिंट ए। प्रोग्राम बहुत ईजी है, समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स को स्वैप करना है, जैसे एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 7। प्रिंट एक्स और वाई करेंगे
तो एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट होगी और वाई की वैल्यू 7। लेकिन कुछ ऐसा हमको कोड लगाना है कि एक्स प्रिंट करें तो 7 आ जाए और वाई प्रिंट करें तो 5 आ जाए। तो कैसे हो सकता है, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स के जरिए। तो इससे क्या होगा, जो वाई की वैल्यू है वो पहुंच जाएगी एक्स में और जो एक्स की वैल्यू है वो पहुंच जाएगी वाई में, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, हमने दो वैल्यूज असाइन करी हैं दो वेरिएबल्स को, इसको मल्टीपल असाइनमेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने इधर ये लिखा हुआ है ए बी सी, है ना, और इधर लिखा हुआ है 4 5 6, है ना, तो इससे क्या होगा, 4 मिल जाएगा ए को, 5 मिल जाएगा बी को और 6 मिल जाएगा सी को। मल्टीपल असाइनमेंट हुआ है बस यहाँ पर। तो ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब जब मैं प्रिंट एक्स और वाई करूँगा तो एक्स की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 7 और वाई की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 5। क्लियर, बहुत अच्छे प्रोग्राम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।